एगो नारा बड़ी गूंजे है, बड़ी उटा बचका थीन कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एकर माने हुए है जे जकर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अगर जो हिस्सेदारी है आरक्षण में उटा ओकर सबसे ज़्यादा रह चाहिए। तो इटा ककर लेतारे कहल गया है, इटा कहल गया है पिछड़ा वर्ग के लेतारे कहल गया है। यहाँ जो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है और वो अनुपात में उस आपके ओते आरक्षण ना मिले है। तो ये डिमांड टा उस आपके बहुत पुराना लाए, बहुत बड़ा डिमांड लाए, आज के नहीं लाए, बहुत पहले से ही डिमांड टा चलते आ रहा है कि भाई हमने के जो आरक्षण है वो सीमा टा बढ़वाल जाए ताकि हमने की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा काहे ये जनसंख्या नारा टा गूंजे है और काहे आरक्षण के सीमा बढ़वे के दरकार है, वो जानक बात है जो उस आपके पिछड़ा वर्ग की जो स्थिति है, जो हाल है, बहुत बेहाल है, बहुत ख़राब है। चाहे पढ़ाई लिखाई के मामला हो, चाहे कमाई के मामला हो, चाहे समाज में सम्मान मिले के मामला हो, आगे बढ़े के मामला हो, तो उस आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत जो है बेसनख है उस आपकी स्थिति। तो उस आपकी स्थिति जो स्थिति है उसे बढ़वे में बेस करे में आरक्षण एगो रोल निभाता है और जो है उस आपकी सीमा यदि बढ़ जाए तो उस आपकी टाइम के इतनी ऊपर करल जीते से खातिर आरक्षण जो है दियल जाए कि जो निचला तबका जो है जम जे नीचू वाला जो है उस आपके जो है इतनी ऊपर करल जाए, उस आपके जो हाल है उस आपके ऊपर करे कि इतनी बेस करल जाए। पहले तैर जो है झारखंड के जो बात करल जाए तो झारखंड में पिछड़ा सब की जो आबादी है 50% से ज़्यादा है। पिछड़ा सब की जो आबादी है, जनसंख्या है झारखंड में, उस सबके 50% से ज़्यादा है। तो झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो एगो अनुशंसा करला है कि पिछड़ा वर्ग के जो रिजर्वेशन है उड़ा 14% से बढ़ाए के 27% करल जाए। कार्मिक विभाग ठीक ये अनुशंसा टा भेजल गया है। अच्छा एगो जानक बात है जे तखन के हेमंत सोरेन सरकार में विधानसभा में एगो विधेयक आनला हलै, तारीख रह 11 नवंबर 2022। तो वो विधेयक टे की रहा कि पिछड़ा वर्ग के जो रिजर्वेशन है उटा 77% करल गेल हलै। एकर में ST 28%, OBC 27%, SC 12%। ये विधेयक टा जो है विधानसभा में पास भी भ गेल हलै और विधेयक टा राजभवन यानी राज्यपाल ठीन इटा पठवल गेल हलै। तो जानबे करते झारखंड में राजभवन और झारखंड सरकार में 36 के आंकड़ा चलित रहे हैं, बड़ी टनाटनी चला है। तो ये विधेयक टाओ भी बहुत दिन तक टाइल के रखल गेले, हाल फिलहाल एक वापस कर दिल गेले, लौटा दिल गेले, घुरा दिल गेले। ये कह के जे एकर में राज्य झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एकर में अनुशंसा ना हो, ईटा कह के विधेयक टा वापस कर दिल गए। तो झारखंड सरकार हचक बगल की हाँ टा किसे बोल गए नाटो चाहिए, तखन की कर ले जे भले सरकार है जे जल्दी चाणे चाणे बनाओ, फिर से गठन कर राज्य पिछड़ा आयोग वर आयोग जो है उठा एकदम फिर से गठन कर चाणे सब कर। लेकिन तो यह साल हैं ई बछर हैं 2024 में 24 जनवरी के जो है गठन करल गए और एकर में अध्यक्ष बने लें जोगेंद्र प्रसाद के, हिंदी में योगेंद्र खोरठा हमनी जोगेंद्र कहे। यह के जर हम बचकल जाए जो दिन यह जो है पहले आ जाए तो ओकरा ज कहल जाए। तो जोगेंद्र प्रसाद के ये आयोग के अध्यक्ष बनवल गए। अच्छा ओकर बाद जो है ये मानसून सत्र जो आवे वाला है एकर में सरकार विचार कर रहा है कि फिर से ये विधेयक टा जो है विधानसभा में पेश करल जाए। जे अध्यक्ष के अनुशंसा भी हो गए, पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा भी हो गए, तो फिर से जो है विधानसभा में पेश करल जाए और फिर से इटा जो है राजभवन पठवल जाए। तकर बाद देखल जीते राजभवन में की रकम वहाँ से
रिस्पांस मिला है। बेस्ट रिस्पांस के तो आशा न खाए राजभवन के बाट से, लेकिन ताबो देखल जाए अगर कोई त्रुटि ना रहते, कोई मिस्टेक ना रहते तो हवे पारे जे विधेयक टा नवी अनुसूची में शामिल करेने जे है पठवल जीते। तो जे भी हते देखल जीते आगू में की हवा है। ओबीसी आरक्षण 14% से 27% करे के ये मामला टा।